आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर अलीगढ़ से है, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने पलटवार करते हुए कहा कि हामिद अंसारी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि तभी उन्हें पता चलेगा कि भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है। आगे सतीश गौतम ने कहा कि वो बीमार मानसिकता के हैं और ऐसे लोगों को भारत छोड़ने की जरूरत है। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। देखिए, उन्होंने पूरा जीवन इस भारत में काट दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर रहे, हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे। केवल इस मानसिकता के राष्ट्र उपराष्ट्रपति रहने के बाद भी अगर ये मानसिकता है तो ये दिखाई देता है कि किस मानसिकता के ये बीमार हैं। ऐसी मानसिकता के लोगों को ये देश छोड़कर पाकिस्तान वापस से जाना चाहिए, जब ही इनको पता लगेगा भारत में और पाकिस्तान में क्या फर्क है। यहीं पर रहते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं बीसी रहते हैं, यहीं उपराष्ट्रपति रहते हैं, सारी सुविधाओं को भोगते हैं और उसके बाद इस तरह की मानसिकता की बात करते हैं। ये अपनी मानसिकता से बीमार हैं, प्रेरित हैं और उस मानसिकता इनके दिमाग से नहीं निकल रही है। केवल ये इस देश को बांटकर इनको चैन पड़ता है। ये जिन्ना की सोच के लोग हैं, ऐसे लोगों को यहाँ से पाकिस्तान चले जाना चाहिए। रामपुर में अब्दुल्ला के नामांकन को लेकर चल रही चर्चा पर अब्दुल्ला आजम ने खुद इनकार करते हुए कहा कि हर साजिश के लिए वो तैयार है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि नामांकन खारिज हो जाए, क्योंकि मेरे चुनाव लड़ने से विपक्षी पार्टियों में डर है। आगे अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने चुनाव हारने के डर से उनको चुनाव प्रचार तक नहीं करने दिया। अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे नामांकन से लोगों को डर है। अब्दुल्ला आजम का भाजपा पर हमला देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि मेरे नामांकन से लोगों में डर है, विपक्ष ने डर की वजह से ही उन्हें प्रचार नहीं करना दिया, नामांकन नहीं भरने दिया। तो रामपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां अब्दुल्ला आजम ने खुद इनकार करते हुए कहा है कि हर साजिश के लिए वो तैयार है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि नामांकन खारिज हो जाए, क्योंकि मेरे चुनाव लड़ने से विपक्षी पार्टियों में डर है। अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने चुनाव हारने के डर से उनको चुनाव प्रचार तक नहीं करने दिया। संभल असमोली विधानसभा से एआईएमआईएम प्रत्याशी शकील अहमद नामांकन पर्चा दाखिल करने बहजोई के कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि असमोली पिछले 10 सालों से बेहाल रहा है, जबकि इस बार वो असमोली में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। सबसे पहला मुद्दा जो है संभल का रोजगार का है। संभल में आज तक रोडवेज नहीं है। संभल शिक्षा में कहीं बहुत पीछे पिछड़ गया है। 30 साल से एक ही विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री रहे लेकिन संभल में मुख्यालय नहीं दिला पाए। संभल में सरकारी अस्पताल सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा है। संभल विकास से बहुत पीछे चला गया है। इंशाल्लाह सभी लोग हमारे साथ हैं और बहुत तेज़ी से मजलिस की तरफ आ रहे हैं। देखिए, जो है मंडल में हम बड़ी तादाद में इंशाल्लाह हम सीटें जीतेंगे। हमारे जो है असमोली की सीट जीत की तरफ चल रही है, संभल की सीट हमारी जीत की तरफ चल रही है और कुंदरकी में भी हम बहुत हमारे देखिए अभी जो है कई सारे हमारे प्रत्याशी नगीना में, कुंदरकी में और संभल असमोली में कई सारे हमारे प्रत्याशी हैं जो बहुत मजबूत लड़ रहे हैं और हम ये समझते हैं कि हम जो है बड़ी तादाद में सीटें जो है। सिद्धार्थनगर की इटवा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रभारी हाजी अरशद खुर्शीद को टिकट मिलने के बाद वो पहली बार इटवा पहुंचे, जहां इटवा बलरामपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतार बिस्कोहर होते हुए इटावा में हाजी अरशद खुर्शीद के आवास पर पहुंची। इस दौरान अरशद खुर्शीद ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी और सपा पर जमकर कसा और कांग्रेस को वोट देकर प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करने की अपील भी की है। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जो पूरे देश में, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक अपनी अलग पहचान बना चुकी है आदरणीय प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया
अदा करता हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को इस लायक समझा कि मुझे यहाँ पे इटवा में कांग्रेस पार्टी से टिकट दे के यहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बताइए आप, मोदी जी ने या हमारे योगी जी ने कहा था कि जो है बाहर से हम जो विदेशों में काला धन है बाहर लेके आएंगे, हर एक के खाते में 15 लाख देंगे, किसी को दिया किसी को नहीं दिया, सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया है, पूरे देश को बेचा है। अडानी और अंबानी जी के हाथ में जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं मोदी जी और योगी जी के, उनके हाथ पूरा देश बेच दिया है, एयरपोर्ट बेच दिया है। खबर सीतापुर से है जहां सपा और सुभाषपा पार्टी का गठबंधन हो गया है। बता दें कि सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष ने ऐलान करते हुए मिश्रिख की सीट अपने खाते में बताई थी, इसके बावजूद 20 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में दे दी। और साथ ही कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मिश्रिख सुरक्षित सीट से धर्मेंद्र नगर को टिकट देने का वादा किया था, पर पैसा लेकर ये सीट सपा के खाते में मनोज राजवंशी को टिकट दे दिया गया। कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। संभल के गुन्नौर में सपा प्रत्याशी राम खिलाड़ी यादव ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी, पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान समेत सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद मौजूद रहे। वहीं नामांकन के बाद राम खिलाड़ी यादव ने बताया कि वो अपनी विधानसभा में विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। आज हमारे संभल जनपद की चारों विधानसभाओं के नॉमिनेशन हो चुके हैं और नामांकन का आखिरी दिन है। आज पूरे ज़िले की, जनपद की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ को देख रही है और समाजवादी पार्टी की जब 14 तारीख को वोट पड़ेंगे तो चारों सीटें हमारी जीतने का काम करेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 5 साल में कुछ किया नहीं। लेकिन अब जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा है हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, 300 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे, कन्या विद्याधन को 500 से बढ़ाकर 1500 रुपये देने का काम करेंगे, किसानों की बिजली माफ़ करने का काम करेंगे। आज जो नामांकन जो किया है उसमें आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आशीर्वाद से हमारे पिताजी को समाजवादी पार्टी टिकट मिला है और गिन्नौर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और गिन्नौर विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विजय आदरणीय रामखिलाड़ी यादव जी की होगी, समाजवादी पार्टी की होगी। जनता में क्या मुद्दे लेके जाएंगे? जनता में मुद्दे लेके जाएंगे, गिन्नौर विधानसभा क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है, लूट भ्रष्टाचार हुए हैं, दलाली हुई है और जब हमारी सरकार बनेगी, हमारे पिताजी विधायक बनेंगे तो हम गिन्नौर विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास पहले भी कराया और फिर कराएंगे। जनता कैसे रिस्पॉन्ड? हमारी जनता से यही अपील है कि पिछले 5 साल में उन्होंने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की जनता के ऊपर जुल्म किया, चाहे महंगाई का मामला हो या नौजवानों का मामला हो। अभी आपने देखा कि नौजवानों के ऊपर किस तरह से लाठीचार्ज इस योगी की पुलिस ने किया था। अगर छात्र नौजवान नौकरी की बात करते हैं तो उनको लाठी मिलती है, उनको लाठी की चोट मिलती है। तो मैं नौजवानों से उत्तर प्रदेश की अपील करना चाहूँगा कि अब के आने वाले चुनाव में अपने वोट की चोट से भाजपा को सत्ता से बेदखल करके अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार लाइए। हम यकीन दिलाते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश का विकास कार्य किए थे उन्हीं कामों के लिए, उन्हीं विकास कार्यों के लिए जनता 2022 में उन्हें याद कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव की आनी चल रही है। सब जनपद के अंदर समाजवादी पार्टी की 4 विधानसभा सीट जीत रही है। जनता क्या मुद्दे लेकर जा रहे हो? जनता में जो बीजेपी ने 5 साल कुछ नहीं किया, हमारे पास वो मुद्दे हैं कि बीजेपी झूठ बोली, महाराष्ट्र महंगाई भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो वादा। खबर कुशीनगर से है जहां कुशीनगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पीएन पाठक के उम्मीदवार घोषित होने पर कार्यकर्ताओं ने उत्साह देखने को मिला, जिसके बाद टिकट मिलते ही पीएन पाठक श्री राम जानकी मठ कयास में आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर पीएन पाठक का जोरदार स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हर वर्ग के कार्यकर्ता, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, युवा हों, जवान हों, विद्यार्थी हों, जो भी हों, पाठक भैया के टिकट पाने से अति उत्साहित है। और इस बार जो भी विपक्षी आएगा
उसकी शायद उसको जमानत बचाना पड़ जाए, वही बहुत उसके लिए होगा। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मुर्गे से एक साधारण कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। आगामी 20 फरवरी को होने वाले तीसरे चरण के विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में महोबा सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी संजय साहू ने अपना नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की गलत खनन नीति के चलते महोबा की कबराई पत्थर मंडी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। चलिए आपको सुनाते हैं बसपा प्रत्याशी ने आगे क्या कुछ कहा। तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है और जो सियासी दल हैं उनके प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के महोबा सदर विधानसभा से प्रत्याशी संजय साहू जी नामांकन दाखिल करने आए हैं। क्या क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में बीएसपी कहीं दिखेगी? सर बीएसपी तो इतना बड़ा हाथी है, अब दिखता है। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि संजय साहू का वोट दिखाई नहीं देता, लेकिन पर्सनल व्यक्तिगत उनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है और बीएसपी का वोट बैंक जुड़ गया, तो क्या आगे किससे मानते हैं कि आपकी टक्कर किससे बताई जा रही है? देखिए, टक्कर तो जो चार पार्टियां हैं उन्हीं में से होनी है, मगर सबसे बड़ी टक्कर हम अपने व्यक्तित्व में देना चाहते हैं कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपने आप में अपनी कमियों को हम कैसे सुधार सकते हैं, ये हमारा फोकस है। विधानसभा महोबा में जो मुख्य रूप से आप कबरई पत्थर मंडी से आते हैं और कहीं ना कहीं सरकार की गलत खनन नीति से जो पत्थर मंडी चौपट हो गई है, उसके लिए आप क्या किसको दोषी मानते हैं, क्या लगता है आगे उसमें कहीं सुधार हो पाएगा? सर देखिए, दोषी तो जिसने काम किया है वही हो सकता है, जिसने काम नहीं किया वो दोषी कहाँ से होगा। अच्छा, आप कहते हैं, सब कोई कहता है हम स्वास्थ्य के लिए अच्छा करेंगे, शिक्षा बेहतर करेंगे, लेकिन आप एक उसका इंडिविजुअल कोई आधार नहीं बता सकता कि आखिरकार स्वास्थ्य सेवाओं का यहाँ स्थायी समाधान कैसे निकलेगा। जैसे प्राकृतिक आपदा जो लगातार किसान झेल रहा है बीते वर्षों से, उसका मुआवजा दे देना अलग विषय, एक स्थायी समाधान के लिए क्या आपके पास कोई ऐसा मैप है? देखिए, रोड मैप तो सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो कैसे दुगनी हो इस पे काम करना पड़ेगा जी। थैंक यू। अगर ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के महोबा सदर से प्रत्याशी संजय साहू, और ऐसा माना जाता है कि संजय साहू के चुनाव में आने से बहुत से समीकरण गड़बड़ा गए हैं और कई लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगामी 10 मार्च को महोबा जिले की महोबा विधानसभा की जनता संजय साहू पर भरोसा जताती है या फिर अन्य किसी के पक्ष में परिणाम आएंगे। कैमरामैन रमेश कुमार के साथ दीपक वाजपेयी, प्राइम। औरैया थाना एरवा कटरा क्षेत्र के ग्राम कटिका में एक 20 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली। इस दौरान युवती के माता पिता खेत में काम करने गए थे, वहीं खेत से वापस आने पर कमरे में युवती का शव फंदे से झूलता देखकर परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। इस दौरान मृतका के परिजनों ने गांव के युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जिसके आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 24 तारीख को मेरी लड़की चली गई थी। क्या नाम है लड़की? काजल। और 27 तारीख को वापस आ गए, और उसके बाद थाने में पहले से सूचना दी थी। सूचना देने के बाद फिर सूचना हम लौटे आए। कब आपने थाने में सूचना दी थी? 24 तारीख गए, लेकिन एप्लीकेशन लेके गए और वापस आ गए। क्या कह दिया? जब सुबह देना, सुबह वो वापस आ गई। घर हम घर थे नहीं, घर से आए, बाहर से आए, देखा घर पर तो फांसी लगा ली। हम काम कर रहे थे, हम बड़ी समर को काम कर, मैडम मेरे घर से हैं, वो बरसीम में आ रहा है खेत में। जहां हदगांव थाना क्षेत्र के मानापुर गांव में ट्रैक्टर से उतरते समय मुंह के बल एक मजदूर गिर गया, जिसे आनंद फानंद में सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से ही मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। जबकि मृतक की पत्नी के मुताबिक मृतक एक भट्टे में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था।
खबर देवरिया से है, जहां झिरझिरवा पुल वाहनों की चेकिंग के दौरान एक युवक संदिग्ध वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। इस दौरान गाड़ी के कागज मांगने पर युवक ने पुलिस को अपने गिरोह के बारे में बताते हुए कहा कि उसके अन्य साथी शहर में अलग अलग जगह पर वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और फर्जी प्लेट लगाकर चोरी के वाहनों को बेच देते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।